मेथड्स ऑफ एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन पारथिनोजेनिस फर्स्ट कंटेंट्स एडवांटेजेस ऑफ पारथिनोजेनिस डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्थिनोजेनिस दैन पार्थिनोजेनिस इन इंसेक्ट्स एंड पार्थिनोजेनिस इन रेप्टाइल्स सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्थिनोजेनिस स्टूडेंट्स पहले तो हम पार्थिनोजेनिस जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक ऐसा है जिसमें एग विदाउट फर्टिलाइजेशन एक नई जो है वो एनिमल्स में डिवेल्प हो जाता है नए यंग वन को प्रोड्यूस करवा देता है उसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें वन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो ये है कि इफ़ देर इज़ नो मेल अवेलेबल इन पॉपुलेशन अगर पॉपुलेशन में मेल नहीं है तो फिर जो एग है वो मेल की एबसेंस में ये स्पर्म की गैर मौजूदगी में क्या कर सकता है आगे पॉपुलेशन को कंटिन्यू करवा सकता है तो इसका मतलब है कि ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर मेल्स नहीं होंगे उनके अंदर अपनी पॉपुलेशन को सर्वाइव करने का द ओनली मेथड इज द पार्थिनोजेनिस पार्थिनोजेनिस के थ्रू ही क्या होगा कि वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेंगे लाइफ uh, से बरादा होगा स्पीशीज जो है वो कंटिन्यू करेगी पॉपुलेशन अपने आप को सर्वाइव करेगी सेकेंड वन इन्वायरमेंट इज वेरी स्टेबल अच्छा ये कुछ में जैसे आप जानते हैं कि या के एनिमल्स होते हैं दे गिव अ ह्यूज नंबर ऑफ एग्स अब ह्यूज नंबर ऑफ एग्स में सिर्फ चंद एक एग्स होते हैं जो फर्टिलाइज होते हैं कम अमाउंट में होते हैं जो फर्टिलाइज होते हैं तो अगर उन एनिमल्स में पारथिनोजेन्सिस मौजूद है तो इसका मतलब है कि अगर 5000 एग्स हैं तो 5000 ही नए एनिमल्स बन जाएंगे क्योंकि हर एग आगे डेवलपमेंट स्टार्ट करवा देगा जबकि पार्थिनोजेंस की गैर मौजूदगी में सिर्फ वही एग्स जो हैं वो डिवेलपमेंट स्टार्ट करवाएंगे जिनकी फर्टिलाइजेशन हो सकेगी सो वैन द इन्वायरमेंट इज़ वेरी स्टेबल दैन पारथिनोजेनिस वेरी हेल्पफुल एनिमल्स के लिए बड़ा ज़्यादा वो हेल्पफुल है Third one, parthenogenesis is also responsible for social organization. अब सिंपली देखिए हनी बीज को देखे हनी बीज के अंदर कोइन्स होती हैं वर्कर्स होती हैं और मेल ड्रोन्स होते हैं अब जो मेल्स हैं वो basically parthenogenesis के थ्रू पैदा होते हैं अब अगर हनी बीज के मेल्स जो हैं पार्थिनोजेंसी के प्रोसेस फर्ज़ करें हम स्टॉप का हो जाता है नेचर में अगर हनी बीज के मेल जिसको ड्रोन्स बोलते हैं वो पार्थिनोजेंसी के थ्रू पैदा नहीं होंगे तो फिर वो कोइंस को एग को फर्टिलाइज़ नहीं कर सकेंगे और आगे वर्कर्स जो हैं वो पैदा नहीं हो सकेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो वो पार्थियनोजेनिस की वजह से ही पॉसिबल है अगर हनी बीज में पार्थिनोजैनिस ना होती तो उनके मेल्स ना बनते अगर उनके मेल्स ना होते तो एग की फर्टिलाइजेशन होती तो कोई एक भी वर्कर पैदा ना हो सकती दिस तो इज़ दिस आर थ्री एडवाटेज के सोशल सेटअप करने के लिए स्टेबल इन्वायरमेंट में ज़रूरी है और ऐसी पॉपुलेशन जहाँ फीमेल ही सारी हैं मेल है ही नहीं है वहाँ भी जो है वो यूजफुल प्रोसेस है वाट आर द डिसडवाटेज डिसएडवाटेज चूँकि पार्थिनोजेंस बेसिकली ए सेक्शुअल मेथड है तो इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम होगी तो द फर्स्ट डिसएडवान्टेज ऑफ पार्थिनोजेंस द लो जेनेटिक वेरिएबिलिटी यानी कि हमें डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी एनिमल्स के अंदर और सेकेंड वन जब वो जेनेटिकली सेम होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो इन्वायमेंटल चेंजेस को जो वो इक्वली ही जो है उसको रिस्पॉन्स करेंगे तो इस तरह से अगर इन्वायमेंटल चेंज हो रहा होगा तो लो जेनेटिक वेरिएबिलिटी की वजह से उनके अंदर नए इन्वायरमेंट के मुताबिक अडाप्टशन जाना मुश्किल होगा तो जब नए इन्वायरमेंट को वो नहीं कर सकें तो अल्टीमेटली जो है वो एक्सटेंड कर जाएंगे इस तरह से पार्थिनोजेनिस की वजह से जेनेटिक वेरेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से नए जेनेटिक कम्बिनेशन नए जीन कम्बिनेशन नहीं बनेंगे जो नए इन्वायरमेंट में उनको हेल्प कर सके पार्थिनी इन इंसेक्ट्स अच्छा एग्जाम्पल्स में हमने यहाँ इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स की एग्जाम्पल एक एक ली है कि इंसेक्ट्स में स्पेशली जो अगर हम देखें तो ये वेस्प में हनी बीज में और एंट्स में ये बड़ा कॉमन मैथड है ए सेक्श रिपोडक्शन का जो पार्थियनोजेनिस है अच्छा इन एनिमल्स के अंदर आम तौर तो पर जो एग जो ले करने वाला जो एनिमल होता है उसको हम कोइन कहते हैं तो कोइन जो है एग ले करेगी अब वो एग जो फर्टिलाइज़ हो जाएंगे दे विल प्रोड्यूस वर्कर्स हनी बीज हैं तो हर वर्कर हनी बीज बन जाएंगी और वो एग्स जो फर्टिलाइज नहीं हो सकेंगे दे विल बी कन्वर्टेड इंटू ड्रोन्स ड्रोन से मुराद क्या होगा कि मेल हनी बीज हैं तो दोनों की अपनी अपनी जॉब्स हैं अब जो ड्रोनस हैं उन्होंने एग्स की जो बाद में प्रोड्यूस होने वाले एग्स हैं उनकी फ़र्टिलाइजेशन करनी है और वर्कर्स ने क्या करना है कि पूरा जो हनी बी का जो कॉम्ब है उसकी केयर करनी यंग वन को फीड प्रोवाइड करना तमाम उसकी प्रोटेक्शन करना जो है वो वर्कर्स का काम होगा का। पर्थन जैसे रेप्टाइल्स के अंदर हम पर्थन जैसे देखें रेप्टल वैसे हमारे पास वर्टिब्रेट्स का ग्रुप है तो रेप्टल्स के अंदर हमें सम लेजर और सम स्नेक की ऐसी स्पीशीज हैं जहाँ जो एग्स जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन आगे यंग वन प्रोड्यूस करवा देता है यानी कि एग जो है वो इट स्टार्ट इट्स डेवेलपमेंट विदाउट फ़र्टिलाइजेशन प्रोसेस अब इसको हमारे पास यहाँ जो एग्जाम्पल हमने को दिया था न्यू मैक्सिको वाइपटेल लिजर्ड जो है वो अच्छा ये चूँकि न्यू मैक्सिको जो वाइपटेल लिजर्ड है डेफिनेटली न्यू मैक्सिको में ही पाई जाती है मैक्सिको में है तो इसकी खास बात यह कि ये जो वाइपटेल लिजर्ड है इसकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन सिर्फ फीमेल्स पाई जाती हैं कोई सिंगल मेल भी इसके अंदर पॉपुलेशन में नहीं है अब कुदरत ने इसको सर्वाइव कैसे करवाया है कि इसके जो एग्स हैं वो खुद खुद डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं और डेवलपमेंट के बाद नए फीमेल लेजर्स बना देते हैं तो इस तरह से एग्स जो हैं ये फीमेल एग्स ले करेंगी एग खुद ब खुद डिवेलपमेंट यानी पार्थिनोजैनिस के थ्रू डिवेलपमेंट स्टार्ट करेगा और एक नए फीमेल जो है लिजर्स जो है वो बना देगा ये डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस इज द दाइपटे लिजर्ड है न्यू मैक्सिको में वाइपटे लिजर्ड जो कि ये पूरी पॉपुलेशन फीमेल है इसमें कोई मेल नहीं है और ये एग्स ले करेंगी ये एग्स खुद ब खुद जो है वो यंग वनस में कन्वर्ट होते चले जाएंगे।